कोटा सांसद निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के साल्ट लेक में बन रहे 22 मंजिला मकान को अमित अग्रवाल का बताते हुए कहा है कि इस निर्माण कार्य में झारखंड के नेता का रुपया लगा हुआ है। साथ ही इस संबंध में कोटा सांसद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने जांच के लिए सीबीआई और ईडी को भी पत्र लिखा है। इस दौरान सांसद का कहना है कि जब कंपनी के बैंक अकाउंट एनपीए हो चुके हैं तो फिर ऐसे में यह पैसा किनका लगा हुआ है और फिर कैसे यह 22 मंजिला इमारत खड़ी की जा रही है। और साथ ही इस बात का आरोप भी लगा है कि राजधानी रांची में भी अग्रवाल बंधु लगातार जमीन पर जमीन खरीद रहे हैं। 22 मंजिला इमारत बन रहा है कलकत्ता में और वो अमित अग्रवाल बना रहा है, और उसमें जो मेरी जानकारी है, मैंने आज ही प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, सीबीआई ईडी के इंक्वायरी के लिए भी कहा है कि झारखंड के नेता का जो है उसमें पैसा इन्वॉल्व है। तो मैं ईमानदार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करूंगा कि अमित अग्रवाल के उस प्रॉपर्टी में जो सॉल्ट लेक में बन रहा है 22 मंजिला मकान, उसमें झारखंड के किस नेता का पैसा इन्वॉल्व है ये उनको बताना चाहिए। इस पर उनकी जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि उनको भी अपनी जांच करानी चाहिए, नहीं तो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स तो उसकी जांच कर ही रही है। दूसरा, अमित अग्रवाल और उनके चचेरे भाई हैं विनीत अग्रवाल, उन लोगों ने लगभग 300 से लेकर 400 एकड़ जमीन रांची और उसके आसपास खरीदा। और जो विनीत अग्रवाल जी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इनकम टैक्स में और जो इलेक्शन कमीशन में जिन लोगों का नाम दिया है कि मुझे इनसे पैसा मिला है, चंदा मिला है, पार्टी को चंदा मिला है, उस पार्टी के चंदे में उनकी भी कंपनी है, अमित अग्रवाल साहब की भी कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट, और एक विनीत अग्रवाल साहब की भी कंपनी है, और उसके बाद ये 300-400 एकड़ ज़मीन खरीदना, तो जो भगौड़ा है जिसके बैंक अकाउंट एनपीए हैं, अमित अग्रवाल और विनीत अग्रवाल के कंपनियों के बैंक अकाउंट एनपीए हैं, उन्होंने जो बैंक से पैसे लिए हैं वो उन्होंने नहीं लौटाए हैं, तो ये पैसा किसका लगा हुआ है? जिसका भी पैसा लगा हुआ है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि चूंकि ये बाहरी लोगों का सवाल है कि बाहर के लोग आकर जमीन खरीद रहे हैं, रांची जैसे जगह में खरीद रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें भी झारखंड या और बंगाल के पॉलिटिशियन का जो है पैसा इन्वॉल्व होगा। तो मेरा डिमांड इन दो चीज़ों से है, यदि ये 7 दिन के अंदर नहीं करेंगे तो मैं पीआईएल करूंगा, और मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, इसकी सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स से जांच। इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी से दीनदयाल बरनवाल फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका दीनदयाल जी। जी बोला जाए जी। दीनदयाल जी, जिस तरह से आरोप सांसद ने लगाया है झारखंड सरकार पर, उनका कहना है कि जिस कंपनी के मालिक के सारे बैंक अकाउंट एनपीए हो चुके हैं, आखिर वो इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी कर रहा है, कैसे लगातार रांची में वो अपने जमीन को खरीद रहा है, आखिर पैसा आ कहां से रहा है? हेलो जी। जी दीनदयाल जी, क्या बोले सर? दीनदयाल जी, बीजेपी के सांसद निशिकांत का यह आरोप है सरकार पर, झारखंड की सरकार पर, कि जिस कंपनी के मालिक के सारे बैंक अकाउंट एनपीए हो चुके हैं, आखिर वो 22 मंजिला इमारत कैसे बना रहा है? नहीं, आरोप तो सही प्रतीत होता है, आरोप जो सांसद महोदय ने लगाया है ये आरोप सही प्रतीत होता है। अगर सारे बैंक अकाउंट उनका एनपीए है तो वो पैसे कहां से ला रहे हैं, और ये झारखंड के हित में है, सभी पार्टियों के हित में है, ये व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये झारखंड की समस्या है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर इस तरह का बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसकी जांच होनी ही चाहिए, और जांच के चाहे जी तोड़ जाए उसकी सराहना की जानी चाहिए। बिल्कुल दीनदयाल जी, हमारे साथ फोन लाइन पर राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं, जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका राजीव जी। जी बोलिए राजीव जी। सवाल ये है कि आखिर जिसके साथ आप सरकार के गठबंधन में आप भी हैं, उसी सरकार पर यह आरोप लगता है कि जिस कंपनी के सारे बैंक अकाउंट एनपीए हो चुके हैं, आखिर वो इतनी बड़ी इमारतें कैसे खड़ा कर रहा है? यानी कि सांसद साहब ने यहां तक कह दिया है कि इसमें कहीं ना कहीं झारखंड के नेताओं का पैसा लगा हुआ है, सरकार का पैसा लगा हुआ है। किस सांसद की बात कर रहे हैं आप? सांसद निशिकांत दुबे।
निशिकांत दुबे जी की आदत है कि मीडिया में इस प्रकार की सनसनी पैदा करके चर्चा में बने रहना जी। और ये मामला झारखंड से जुड़ा हुआ नहीं है जी। इमारत कहाँ बन रही है, केंद्र में उनकी सरकार है, उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है, तो इतना तो आश्वस्त रहना चाहिए कि जांच होगी। बिल्कुल राजीव जी, उनका आरोप ये भी है। नहीं, आरोप की बात क्या है, आप पहले वो ये बताएं कि यहाँ जो रघुवर दास जी के संदर्भ में अभी आया मामला कि बेंटले कार उनका निर्माण हो रहा है विदेश में, तो पहले निशिकांत दुबे को इस बात का जवाब देना चाहिए कि ये बेंटले कार कहाँ से बन रहा है। यानी कि अगर आरोप सरकार पर लगेगा तो आप दूसरे की तरफ आरोप लगा के पल्ला झाड़ लेंगे। मैं कोई पल्ला नहीं झाड़ रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार की सनसनी पैदा करने से पहले अगर उन्होंने कहीं मांग की है और अपने प्रधानमंत्री से मांग की है जी। अब कलकत्ते में कोई कल कल त्रिवेंद्रम में कोई इमारत बना रहा है, उसकी जांच झारखंड सरकार करवाएगी क्या? राजीव जी, उन्होंने इस बात का आरोप भी लगाया है कि रांची में भी वो लगातार जमीन पर जमीन खरीद रहे हैं। तो जब उन्होंने जांच के लिए लिखी दिया है प्रधानमंत्री कार्यालय को, तो जांच होने का इंतजार करें, राजनीतिक बयानबाजी न करें। प्रतिदिन उनकी आदत बन गई है, कभी बाबा धाम के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करके कल वो सरकार गिरा रहे थे, उनको तो हाईकोर्ट पर भी आस्था नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के बयान को मैं कोई सीरियसली नहीं लेता। चलिए आप सीरियसली मत लीजिए, लेकिन जब हम लगातार जेएमएम के प्रवक्ता से बात करने की कोशिश करते हैं, उनको फोन लगाते हैं, वो हमारा फोन तक नहीं उठाते हैं, बात करने तक कि हमारे सवालों के जवाब देने की वो कोशिश नहीं करते हैं, फोन कट कर देते हैं। क्या माना जाए कि वो भाग रहे हैं जनता के सवालों से? मैं इसका जवाब आप वो लोग से लीजिए, आपने मुझे फोन लगाया। सरकार के साथ आप भी गठबंधन में हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ ना जी, ऐसे व्यक्ति के बयानों की कोई सीरियसली नहीं लेगा, हर दिन उनको ठीक है। ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। दीनदयाल जी, इन्होंने कहा है कि निशिकांत के जो भी बयान है, जो भी वो कुछ कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, उन्हें ये सीरियसली नहीं लेते हैं। नहीं देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है जी कि कौन सीरियस लेते हैं कौन सीरियस नहीं लेते हैं ये विषय नहीं है जी। अगर यह विषय है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो सरकार के प्रभाव से जी या सरकार की मदद से या किसी की भी मदद हो, अगर झारखंड में अनैतिक रूप से जमीनों की खरीद बिक्री कर रहा है या उनके कई पैसे कई जगह लग रहे हैं, तो इसकी जांच होनी ही चाहिए, चाहे वो सरकार में हो ना हो, किसी की भी सरकार में हो। निशिकांत जी दुबे जी क्या बोले यह विषय नहीं है, विषय है कि अगर यह सही है तो इसकी जांच होनी चाहिए, और इसकी जांच से जो भी फलाफल आए, जो भी आए, ये राज्य के लिए बेहतर ही है। दीनदयाल जी, निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है जांच को लेकर, तो क्या केंद्र सरकार जांच कराएगी? नहीं, देखिए, अगर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है जैसा कि चर्चा आ रही है, तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए, और इसमें किसी को भी घबराहट होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी जांच होगी वो राज्य के हित में देश के हित में ही होगी, इतना तय है जी। लेकिन जिस तरह आरोप तो झारखंड सरकार ने रघुवर दास सरकार पर भी लगाए हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से वो इन्वेस्टर लाने को लेकर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इन्वेस्टर तो कुछ आए नहीं है, सिर्फ पैसे का दुरुपयोग किया गया है, उसकी भी जांच कराएंगे? लगाने वाले अब उनकी सरकार है, वो जांच करा के देख ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए जी। बिल्कुल राजीव जी, सवाल आपसे, उन्होंने तो कह दिया है कि जो आरोप उनकी सरकार पर भी लगे थे या लगातार झारखंड की सरकार अभी भी लगा रही है, उसकी जांच करा के देख लीजिए, तो आप कराने के लिए तैयार हैं सरकार में? अब तो आप हर चीज की जांच हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि जितने भी मामले आए, जांच तो चलती है, रिजल्ट नहीं आता है, दुख इस बात का है राजीव जी। अब ये हर चीज तो मैं यहाँ बैठ करके तय नहीं करूंगा, मैं तो कोई जज हूं नहीं, आवाज तो उठा सकते हैं, जज के तौर पर मैंने बुलाया भी नहीं आपको। उसकी उसकी प्रक्रिया है, उसको उस प्रक्रिया के अधीन ही जांच होगी, और जांच का जब फलाफल निकलेगा निश्चित रूप से आप ही उसकी उसका प्रसारण करेंगे जी। लेकिन सवाल यह है कि निशिकांत दुबे जी जब अपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखे हैं, तो उनको प्रधानमंत्री के द्वारा जांच कराए जाने तक का इंतजार तो करना चाहिए, इतनी बेचैनी क्या है? जांच के लिए पत्र मुख्यमंत्री को भी लिखा गया है, हेमंत सोरेन को भी लिखा गया है।
मित्रवर मैं एक बात कह दूं आपको कि अब मैंने कहा, मैंने एक उदाहरण दिया, अब कल कोई दिल्ली में मकान बना लेगा, कल कोई किसी अन्य राज्य में मकान बनाएगा, तो ये उस राज्य के जांच का विषय है या केंद्र सरकार के जांच का विषय है कि हर जगह बता देता हूँ। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आखिर ये हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप क्यों लग रहा है। इसमें ये भी उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया है कि जेएमएम को जो चंदा देने वालों की लिस्ट जो जारी की थी जेएमएम ने आयकर विभाग को और साथ में चुनाव आयोग को, उनमें नाम इन दोनों का भी था, यानी कि अमित अग्रवाल का और उनके भाई का नाम भी शामिल था, इसलिए ये आरोप हेमंत सरकार तक पहुंच रहे हैं। भाई राजनीतिक दल है जी, जो चंदा लिया उसका डिक्लेरेशन उन्होंने चुनाव आयोग को दे दिया जी। अब वो चंदा देने वालों ने चंदा दिया, इसका डिक्लेरेशन जेएमएम ने कर दिया, अब वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसकी जांच तो अगर कोई केंद्रीय। सवाल ऐसे में यही उठता है कि जिसकी कंपनी के सारे बैंक अकाउंट एनपीए हो जाते हैं, उससे चंदा भी लिया जाता है, इस बात के आरोप भी लगते हैं कि सीएम सोरेन के खास हैं ये लोग, और वो जमीन भी लगातार खरीदते हैं, आखिर कैसे, पैसा कहां से आ रहा है अगर अकाउंट एनपीए हो चुके हैं तो। इस बात के लिए आवाज तो आपको भी उठानी चाहिए राजीव जी। जी राजीव जी, इस बात के लिए आवाज तो आपको भी उठानी चाहिए भाई। वो आज उन्होंने मामला उठाया है, अब इतनी बेचैनी क्यों है उनको या भाजपा वालों को? जांच होगी, जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जहां तक प्रश्न है किसी के किसी से संबंध का, तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सैकड़ों नेता हैं जिनके साथ कई लोगों ने, अब मैं लोगों ने कहा कि नीरव मोदी के साथ प्रधानमंत्री का फोटो आया, तो क्या जांच हो गई? आ गया नीरव मोदी।